आपको शायद टाइटल देख के लगा होगा कि ये कोई क्लिकबेट है या कोई स्टैंड अप कॉमेडी क्लासिक पुणे जोक्स के ऊपर, बट नहीं, मैं आया हूँ आईसर पुणे डॉक्टर उमाकांत रापोल इनके लैब में एक एक्सपेरिमेंट को देखने। ये एक्सपेरिमेंट जब चालू करते हैं तो पुणे इंडिया की सबसे ठंडी जगह बन जाती है, और डिपेंडिंग ऑन टाइम कि कब चालू किया है, पुणे इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया और पूरी यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह भी बन सकती है। जानना है कैसे, चलिए जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बीईसी, या इस स्टेट का नाम है बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब भी कोई स्पेसिफिक एटम्स एक बीईसी में चले जाते हैं तो अजीब बिहेव करने लगते हैं, उनकी मतलब यूनिक आइडेंटिटी चली जाती है। अगर आप 200 स्पेसिफिक एटम्स को साथ में लाके बीईसी में डालो तो सब ऐसे एक्ट करने लगेंगे कि वो सब 200 एटम्स जो है वो एक है, उनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं। ये पॉइंट जब हम पहुंचते हैं बीईसी के तो टेम्परेचर जो है वो -233 डिग्री के नीचे चला जाता है, जो मतलब क्लोज टू थियोरेटिकल मैक्सिमम है या मिनिमम, जिसके बारे में ज्यादा आपको आगे पता चलेगा। और आप इनके सोच रहे हो कि ये बोस इंस्टेंट कंडेंसेट में का जो बोस है क्या वो इंडियन है? हाँ वो इंडियन है, वो थे सत्येंद्र नाथ बोस यानी SN बोस, उनके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया उनके लाइफ के ऊपर, और ये बोस इंस्टेंट कंडेंसेट कैसे हुआ वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बीईसी कैसे बनाए, ये प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। देखो बीईसी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई एटम्स चाहिए, राइट? सब एटम्स नहीं चलेंगे, कुछ स्पेसिफिक से चलते हैं। डॉक्टर उमाकांत की लैब जो है वो स्पेसिफिकली यूज करती है रूबीडियम 87 एटम्स। अब रूबीडियम के काफी फायदे है, इसका जो एटॉमिक मास लो है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो काफी है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से मैनिपुलेट करने ये रिलेटिवली आसान है, पर हमें काफी सारे एटम्स चाहिए तो हम कैसे जनरेट करें। ये लोग यूज करते हैं एक RB ओवन या एक रूबीडियम ओवन। रूबीडियम ओवन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक रूबीडियम सैंपल होगा जिसे गर्म किया जाता है, और फिर उसके एटम्स एक्साइट होकर एक स्ट्रीम ऑफ रूबीडियम एटम्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए बहुत लंबा। अब ये इतना सिंपल तो है नहीं जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन रियलिटी ये पूरा सिस्टम वैक्यूम में है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करके इन्हें गाइड करना है, इन्हें मैनिपुलेट करना है, काफी सारी चीजें होते हैं, बट इस वीडियो के पर्पसेस के लिए इतना समझना काफी है। अब देखो ये स्ट्रीम बहुत फास्ट है, मतलब क्या इस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब यहाँ पे मेरे को रुक के आपको गर्म और ठंडे का मतलब समझना होगा। अब देखो नॉर्मल पर्सन के लिए अगर वो पानी से स्टीम आते देखता है तो बोलता है कि ये गर्म है, और अगर वो पानी ग्लास में और वो कंडेंस कर रहा है तो वो बोलेगा कि ये बहुत ठंडा पानी है। अगर आप हाथ लगा सकते हो तो आपको सेंसेशन से पता चल जाएगा गर्म है या ठंडा है। बट टेक्निकली स्पीकिंग गर्म पानी गर्म इसलिए है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो रिलेटिव टू सराउंडिंग ज्यादा है, और ठंडा पानी इसलिए ठंडा है क्योंकि इसको उसकी जो एनर्जी है वो रिलेटिव टू सराउंडिंग कम है। यानी कि आप रेस्टोरेंट में जाके टेक्निकली ऑब्वियसली कोई टॉलरेट नहीं करेगा आपको, आप ऐसे बोलोगे तो आप रेस्टोरेंट वाले को बोल सकते हो कि मेरे को ऐसा पानी लाओ जो रूम टेम्परेचर के रिलेटिव मतलब लोअर एनर्जी पे है, सेंस नहीं करेगा उन्हें, बट मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। पर अगर आप इन एटम्स को, ये जो पानी के एटम्स है, अगर आप उन्हें इंडिविजुअली देखो तो आप देखोगे कि गर्म पानी के जो एटम्स है वो बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, यानी उनकी एनर्जी ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठंडा पानी के जो है एटम्स है वो भी हिल रहे हैं पर वो कम हिल रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी लोअर है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे अगर हम एटम्स को ले पानी के और इन्हें बंद ही कर दे, मतलब इन्हें स्टैटिक हिलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? तब उस पानी का टेम्परेचर होगा -273.15 के आसपास डिग्री सेल्सियस। इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो केल्विन है, जो दूसरा टेम्परेचर स्केल है, और इतना पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट जिसके ऑलमोस्ट 99.999% क्लोज पहुंचते उसमें से एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का स्टेट, और यही हम आज यहां करेंगे। तो आपको इस एक्सप्लेनेशन से आई होप आप जब भी गर्म पानी ठंडा पानी का सोचो आपको ये याद आए, और इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो रूबीडियम के एटम्स जो आ रहे हैं वो करीब 200-400 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं। अगर हमें इन्हें रूबीडियम एटम्स को बीईसी में कन्वर्ट करना है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट करना है, तो ये 400 या 200 मीटर पर सेकंड को ऑलमोस्ट 0 मीटर पर सेकंड करना होगा, इन्हें रोकना होगा हमें। कैसे रोकेंगे? मल्टीपल स्टेजेस होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। एक स्टेज है जैसे ही ओवन से निकलते हैं इनके ऊपर एक डिवाइस होता है जिसका नाम है जीमेंस लोअर। ये जीमेंस लोअर के थ्रू जाते हैं। अब जीमेंस लोअर एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, जिसके आसपास कॉइल्स लपटे हुए हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू स्लो डाउन करता है इन्हें। प्लस उसके जगह एक लेजर भी जाते हैं अपोजिट में, जो और भी स्लो डाउन कर देता है एटम्स को। अभी आप ये सब एनिमेशन में देख रहे हो, रियल में भी दिखाता हूं। ये जो है वो है शिव सागर मौर्य, वो रापोल सर के एक स्टूडेंट है, मैं इनके स्टूडेंट्स के साथ ही था, काफी सारे मस्त है सब लोग। तो ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स आपको जस्ट बताएंगे कि ये ओवन कैसा है और क्या है। So this is our oven system, okay, where we create the beam of the rubidium 87, and this is the Zeeman's lower. So there is a variable magnetic field that we create for keeping the atoms under resonance. So this is called the Zeeman's lower in our field. And so
So in the beginning of the gym also, the velocity of the item is like 300 to 400 meters per second. By slow down them, at the end of the gym also, the velocity is almost like 20 to 30 meters per second. तो जैसे आपने देखा जीमेंस लोड से निकलती है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड से बाहर आता है जो स्लो है, पर ऑफ कोर्स रुक नहीं रहा है, वो हमें ऑलमोस्ट जीरो करना है। तो इस केस में अपना नेक्स्ट डिवाइस जो है उसे कहते हैं मॉट, यानी मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप। इस नाम से थोड़ा बहुत आपको समझ गया होगा इसका काम। ये मैग्नेटिक फील्ड्स और ऑप्टिकल एलिमेंट्स यूज करके एटम्स को ट्रैप करने देखता है, मतलब उस ट्रैप के अंदर वो रुक जाएंगे हिलना। मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं मॉट के, वो गाइड करते हैं लेजर के ऊपर, और लेजर जो है वो अपना मैग्नेटो ऑप्टिक का ऑप्टिक पार्ट बनता है। अब ये लेजर क्या कर रहा है इसमें, इसमें हो रहा है लेजर कूलिंग। अब मैंने बहुत सालों पहले एक बहुत डम डाउन वीडियो बनाया था, जो भी इस वीडियो का थीम होगा, कि लेजर कूलिंग काम कैसे करता है। देखो बेसिकली आपका जो मूवमेंट है एटम का, हमारा भी लाइफ में भी खुद का, वो तीन एक्सिस में हो सकता है ना। आप तो साइडवर्ड्स और अपोजिट आगे पीछे मूव कर सकते हो, यानी एक्स और वाई एक्सिस, और एक आपका ऊपर नीचे यानी जेड एक्सिस। तो अगर आप एक लेजर ऊपर नीचे फायर करोगे एक एटम के ऊपर, तो आप उसका ऊपर का पूरा मूवमेंट लॉक कर दोगे, मतलब ऊपर नीचे हिलेगा ही नहीं, अभी वो बस साइड टू साइड हिलेगा। और फिर आप और 6 साइड से लेजर फायर करोगे और सब एक्सिस पे रोक दोगे, तो आपका जो एटम है वो हिलना ही बंद कर देगा थियोरेटिकली। ऑब्वियसली इतना प्रिसाइज नहीं हो सकते हम कि वो हिलना ही बंद कर दे, बट ऑलमोस्ट क्लोज टू उसकी जीरो एनर्जी हो जाएगी। इसे कहते हैं लेजर कूलिंग, जो सब 6 एक्सिस के ऊपर हम फायर करके रोक देंगे एटम को। ऑब्वियसली मेरा ये जो एनिमेशन है वो काफी आउट ऑफ स्केल है, बट ये सब होने के बाद काफी सारे एटम्स जो है क्लंप डाउन होंगे इस मॉट में, बीच में इतना बड़ा होगा नहीं, वो बहुत छोटा होगा। एक्चुअली आप ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मतलब देख सकते हो, यहाँ पे शिव सागर जो है मेरे को कैमरा से पॉइंट करने बोल रहे थे मॉट के ऊपर, बट थिंक क्या हुआ कि मेरे कैमरा के ऊपर आयर फिल्टर है, तो वो जो स्पेसिफिक लेजर इस्तेमाल कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी रेंज को वो फिल्टर कर रहा है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपने फोन से ट्राई किया, मेरे फोन का जो फिल्टर है उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो कोई तो रेड डॉट आ रहा है और वो जा रहा है, वही है वो काफी सारे एटम्स जो एक क्लंप फॉर्म कर रहे हैं वहां पे, ऑलमोस्ट जीरो पे है। ऑब्वियसली वो तो लाइट ही दिख रहा है हमें, वो बहुत छोटे एक्चुअल इसमें, पर काफी कूल था वो देखने लायक। बट एक चीज है यार, यहाँ हमने एटम्स ऐसे मतलब क्लंप तो कर लिए है, पर ये एक बीस ही नहीं है अभी भी। इसमें जो है वो काफी सारे ऐसे एटम्स है जिनकी एनर्जी ज्यादा है, और अगर हम इसे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, जो इसे ये लोग एस टाइम ऑफ फ्लाइट रिफर करते हैं, तो वो एक्सपांड होते होते बड़ा हो जाएगा, जो बीस ही नहीं करता है। बीस ही अगर बॉल बनेगा तो बॉल ही रहेगा थोड़ी देर के लिए ट्रैप में, और अगर आप छोड़ दोगे तो वो गिर जाएगा। तो ये है प्रणव और ये है कोरक, ये दोनों भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं सर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट? करेक्ट। सो दैट्स व्हाई व्हेन द टेंपरेचर इज मोर, देन इफ यू रिलीज इट फ्रॉम द ट्रैप, देन इट एक्सपैंड्स। करेक्ट। बट इन केस ऑफ बीईसी, व्हेन द टेंपरेचर इज लेस, दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज लेस, सो देन इट शुड नॉट एक्सपैंड दैट मच, इट विल स्टे क्लंप्ड टुगेदर। करेक्ट। फॉर अ लॉन्गर टाइम। अभी क्या होगा, अभी शिव सागर जो है वो एक और लेजर चालू करेगा जिसे वो इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं, मतलब हम और लेजर फायर करके जो थोड़े बहुत नहीं, एक्चुअली मेजोरिटी जो गर्म एटम्स है उन्हें फायर करके निकाल देंगे उस चीज से। और अगर आप देखो तो इतना बड़ा क्लाउड जो था वो इतना सा डॉट बन जाता है, और यही है हमारा बीईसी स्टेट। और टेक्निकली अभी जब मैं था तो पुणे कोल्डेस्ट प्लेस था। Coldest place in the universe. Okay. Some people by using same method go in the Pico Kelvin. It does not matter because it has same property. So if you want to do physics like us, we are PhD student, we need to publish the papers. And also we just create Bose-Einstein condensate, which temperature is less than hundreds of nano Kelvin, and then we start doing our physics. Okay. Our goal is not to cool it further and further because they have all almost same behavior or properties. Okay.
अब इसका इमेज लेना अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसका जो है हमें शेडो इमेजिंग करना पड़ता है। मतलब आगे से आप लाइट फायर करोगे, शेडो देखोगे और फिर उसे इन्वर्स करोगे। ये इसलिए है क्योंकि जब हम लाइट इम्पार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो बीसी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वापस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम इसे एक ही बार इमेज कर सकते हैं, तभी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, दो क्वेश्चंस होंगे, एक तो इस बीसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, सेकेंडली वो पीछे क्या चीज थी। दोनों के आंसर्स फ्यूचर वीडियो में आएंगे और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये जो शिवसागर और ये कोरक और प्रणव का एक्सप्लेनेशन था मैंने कट में डाला है मेरे दूसरे चैनल गरीब साइंटिस्ट शून्य के ऊपर। बहुत ज्यादा टेक्निकल है वो एक्सप्लेनेशन, मेरे को भी पूरी चीजें नहीं समझे, बट आई एम श्योर आप अप्रिशिएट करोगे आप में से कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन, तो जाके देख सकते हो। और अगर आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इधर ज्वाइन बटन दबाओ, या तो एक बाय मी अ कॉफी का लिंक है वो आप दबा के मेंबर ऑप्शन यूज करना, वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे, डिस्कॉर्ड एक्सेस मिलेगा प्राइवेट और काफी कुछ। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल शाउट आउट टू मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, आकाश पाटिल, नमित नंबियार, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, विशाल बारोत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, निशंत प्रजापति, शौनक पेरनी और निसर्ग मानकड़।